हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर क्या है? डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, F-35 इन इंडिया, ओए राजनाथ सिंह न्यू ऑफर टू पाकिस्तान। क्या न्यू ऑफर क्या है कि पीओके दे दो नहीं तो तुम्हें फोड़ देंगे, ऐसा कुछ होगा। आईएएफ टू फ्रंट वॉर, IAF सिक्योरिटी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को वार्निंग के साथ एक ऑफर भी दिया। जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन में एक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअर को किया गया होरीफाइड। नेवी की फ्लीट सपोर्ट शिप के डिजाइन के लिए पहले टर्की कंपनी के लिए जाने वाली थी मदद, लेकिन फिर उसे एंटी इंडिया पोजीशन के चलते किया गया कैंसिल। इंडियन एयरफोर्स अपने 30 से अधिक एयरबेसिस पर इंस्टॉल कर रही है स्मार्ट मल्टीलेयर पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम। और गगन शक्ति के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने टू फ्रंट वॉर की करी थी प्रैक्टिस। राजनाथ सिंह की बात अभी समझ नहीं आई। अभी हाल ही में ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग देने के साथ साथ एक खास ऑफर भी दिया है, जिसमें पहले भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान को उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। और इसलिए पाकिस्तान को अपने वहाँ आतंकवाद को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अपने वहाँ आतंकवाद को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो भारत की तरफ से एक पड़ोसी होने के नाते एक ऑफर है कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान को सभी तरह की सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। और अगर उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो सच में आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो या तो वो खुद से करें या फिर भारत से मदद ले लें और हम दोनों आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन ये भारत की तरफ से केवल एक सजेशन है और बाकी निर्णय तो पूरी तरह से पाकिस्तान का ही है। और इस इंटरव्यू के दौरान उनके एक हाल ही के रिमार्क, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, तो उस पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सब कुछ करेगा। अब भारतीय रक्षा मंत्री ने पीओके पर भी भारत की पोजीशन को फिर से दोहराया, जिसमें उनका यह भी कहना था कि पीओके के लोग कह सकते हैं कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं, बाकी पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और जिस हिसाब से भारत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और जितनी तेजी से जम्मू कश्मीर विकास की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि पीओके के जो लोग हैं उनको ये फील होगा कि पाकिस्तान के साथ रहते हुए वे कभी भी विकास की तरफ नहीं जा सकते और केवल भारत ही है जो कि उनको विकास की तरफ ले जा सकते हैं। बाकी ANI के साथ इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन ने भारत की जमीन का कोई हिस्सा कब्जे में लिया है, तो उस पर भारतीय रक्षा मंत्री कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है और कुछ इश्यूज हैं जिनमें से कुछ इश्यूज 2013 में रिजॉल्व किए जाने की जरूरत है और उन्हें लगता है कि बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकाला जा सकता है। बाकी जिन मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है और अगर उन मुद्दों पर चीन की सहमति बन जाती है तो हाँ, यहाँ पे चीन पे विश्वास ना करने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मिले कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कल रात को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी। और अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया और इस मारे गए सुअर के पास से वेपन्स और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अवधि में स्थित भारत की स्टेट ओन डिफेंस कंपनीज आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इन दोनों को विजिट किया था। और इस विजिट के दौरान उन्हें अत्याधुनिक आर्मर्ड व्हीकल टेक्नोलॉजीज के बारे में ब्रीफ किया गया, जिसमें मेन बैटल टैंक अर्जुन और T-90 मेन बैटल टैंक के Mark III वर्जन के बारे में जानकारी भी शामिल थी। और आत्मनिर्भरता की तरफ जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं तो उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया गया। बाकी वाइस चीफ ने AVNL और CVRDA द्वारा चलाए गए सभी तरह के आर्मर्ड व्हीकल प्लेटफॉर्म्स के स्वदेशीकरण के प्रयासों की समीक्षा भी की। देखा, सब कुछ स्वदेशी होने वाला है। तो जैसा कि कल विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की फैसिलिटी में इंडियन नेवी के लिए बनाई जाने वाली 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स में से पहली शिप के निर्माण कार्य के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी को आयोजित किया गया था और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि इस परियोजना में जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाई जा रही हैं उनका डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। तो इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है, जिसमें ANI की रिपोर्ट में डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि पहले इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स के डिजाइन में कंसल्टेंसी के तौर पर एक टर्किश फर्म के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इस परियोजना के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले ही
या किस फर्म के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। और ऐसा करने के पीछे के कई अलग अलग कारण थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण था टर्की की एंटी इंडिया पोजीशन, खास करके ग्लोबल फोरम्स में कश्मीर वाले मामले पर। और इसलिए जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वो अब इन फ्लीट सपोर्ट शिप्स का जो डिजाइन वाला काम है तो उसे अपने खुद के बल पर ही कर रही है, और इसमें डिजाइन कंसल्टेंसी के लिए एक कोची बेस्ड फर्म की सहायता ली जाएगी। और एक कोची बेस्ड फर्म ऑलरेडी कोची शिपयार्ड लिमिटेड जैसे गवर्नमेंट शिपयार्ड्स के साथ काम कर रही है। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। और आज का डिजाइन ऑफ द डे है ये पराक्रम वाला डिजाइन, जिसे आप squadron.in पे जाके PKMKB कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को किसी भी तरह के आतंकी हमले के खतरे से बचाने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स ने पूरे देश भर में अपने 30 से अधिक एयर बेसिस की ग्राउंड पेरीमीटर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की योजना पर काम शुरू किया है, जिसके तहत 30 एयर बेसिस पर नए कॉम्प्रहेंसिव मल्टी लेयर्ड मल्टी सेंसर हाईटेक सर्विलियंस और इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि 23 क्रूशियल और सेंसिटिव एयर बेसिस पर ऑलरेडी बिल्कुल इसी तरह के इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने का कार्य जारी है। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सीनियर ऑफिसर के हवाले से बताया गया कि 23 हाई प्रायोरिटी वाले एयर बेसिस में से करीब 17 से 18 एयर बेसिस में जो ये इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में IPSS तो ये पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है। और अब योजना यह है कि 30 से अधिक और एयर बेसिस पर कुछ और एडिशनल फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ इस IPSS को इंस्टॉल किया जाना। और आपको बता दें कि देश भर के एयर बेसिस पर इस तरह के इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने वाली जो परियोजना है उसे भारत सरकार ने 2016 के पठानकोट एयरबेस वाले हमले के बाद मंजूर किया था। और इस परियोजना में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो लीड कॉन्ट्रैक्टर है, जबकि इसमें कई सारी फॉरन सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। बाकी अब इंडियन कंपनीज के लिए एक RFI जारी की गई है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपने 30 एयर बेसिस पर एक ऐसे इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात कही है, जो कि किसी भी तरह की घुसपैठ को डिटेक्ट करने और उसको मॉनिटर करने के लिए 5 लेयर्स के सिक्योरिटी प्रदान करता हो, जिसे AI इनेबल सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट भी किया जाए। और यहाँ पे जिन 5 लेयर्स की बात की गई है उनमें शामिल है इलेक्ट्रिकल स्मार्ट पावर फैंस, इंफ्रारेड किलोमीटर्स के साथ CCTV कैमरास, रडार्स, एक डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के साथ अंडरग्राउंड वाइब्रेशन डिटेक्शन सिस्टम और डुअल पैन टिल्ट जूम थर्मल एंड विजिबल कैमरास, और जबकि एरियल सर्वेलियंस के लिए मिनी UAVs भी शामिल रहेंगे। और इन 5 लेयर्स में से जो UAVs है यानी कि अंडरग्राउंड वाइब्रेशन डिटेक्शन सिस्टम, तो इसकी खास बात यह होगी कि अगर कोई पेरीमीटर के अंदर चल के या क्रॉल करके या फिर टनल के माध्यम से घुसपैठ करने का प्रयास करे तो उससे जनरेट होने वाली वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट करने में सक्षम हो। ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के तौर पर कल 10 अप्रैल को नोबरा वैली में आर्मी गुडविल स्कूल में आर्मी के सियाचिन वॉरियर्स ने पहली स्मार्ट लर्निंग एंड रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया है। और ये फैसिलिटी दूरदराज के गांवों में भी नेक्स्ट जनरेशन के टेक लीडर्स को इंस्पायर करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की शक्ति कमांड ने इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड के साथ मिलकर एक एरियल रिप्लेनिशमेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है डॉट प्रहार 2024 तो इसे आयोजित किया था। और इस डायनेमिक एक्सरसाइज के दौरान एयर एंड ग्राउंड फोर्सेस के बीच के आपसी तालमेल को प्रदर्शित किया गया। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति एक्सरसाइज को आयोजित किया था, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर हर एक दिन 24 घंटे तक के लिए नॉन स्टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। और इस पर इंडियन एयरफोर्स ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाले 2 फ्रंट वॉर वाले सिनेरियो में अपनी रेडीनेस को चेक किया है। और इस एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर पूरी एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई थी, इसमें आर्मी और नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ कई कॉम्बैट स्ट्रेटजीज और मेथड्स की प्रैक्टिस भी की गई। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था हर एक एयरबेस हर एक इक्विपमेंट को एक्शन में लाके एयरफोर्स की स्किल्स को टेस्ट करना, जैसे कि एक ही समय पर कई सारे एयरक्राफ्ट को मैनेज करना हो, बहुत तेजी से रिएक्ट करना हो, बहुत तेजी से मूव करना हो, एक बार में मल्टीपल टास्क करने हो और लंबी लंबी दूरी तक ऑपरेशंस करने हो, तो इस तरह की कई अलग अलग स्किल्स टेस्ट की गई थी। कमाल की न्यूज थी, एक से बढ़कर एक। और इसमें तो मोस्टली फोकस था एयरफोर्स पे, मतलब अभी बहुत फोकस किया जा रहा है एयरफोर्स पर। और जो अभी बता रहे थे कि पूरा वो ड्रिल किया है, वो 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी प्रैक्टिस की है एयरफोर्स ने कि क्या करना है, सारी टेक्निक से पूरा का पूरा एयरफोर्स लगा था। मुझे लग रहा है चाइना के रिस्पांस में ये सब हो रहा है, जबकि राजनाथ जी बोल के चले गए चाइना से ज्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सबसे ज्यादा मगर प्रॉब्लम ये सारा बखेड़ा चाइना का है। चाइना को उधर से शांति दे रहे हैं, इधर से रेडी हो रहे हैं चाइना के उसके लिए काउंटर के लिए, कि जिस तरीके से गलवान वैली में पंगे पड़े थे अब मेक श्योर कर रहे हैं कि और कुछ ना हो। इनफैक्ट न्यूज़ भी आई थी कि मोदी जी ने भी ये बात खड़ी की है कि इतने सारे फोर्सेस जो हैं चाइना के बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे और उनके, ये बात ठीक नहीं है। जब तक ये ऐसा होगा
कभी भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो सकती। नहीं, रिलेशनशिप कैसे अच्छी हो सकती है, एक्साइचिन वो लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो एक्साइचिन वापस मिलेगा नहीं, तब तक रिलेशनशिप ठीक हो नहीं सकते। वो ऐसे हैं, वो कभी कुछ वो वापस देने का तो इम्पॉसिबल है उनका, वो तो और जमीन हड़पने में निकले। हाँ, वही तो कह रही हूँ, वो तो और जमीनों को हड़पने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया हमें कैसे मौका मिले हम हड़पें। तो उनके साथ तो कभी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकती, इनको तो ताकत की जोर पर ही ठीक रखा जा सकता है चाइना को। तो पाकिस्तान तो एनीवे कुछ भी नहीं है। और जो वो कह रहे थे कि भैया तुम अपना जो आतंकवादी हैं वहाँ अपने अंदर वो उनको खुद साफ कर लो या हमसे मदद ले लो, हम साफ कर देते हैं। मैंने कहा हमें तो पता ही है, अब वो तो बोल नहीं सकते क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, तो उनको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है जहाँ पे भी जाते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि पाला तो पाकिस्तान ने ही है उन लोगों को, उन्हीं को पाल पोस के बड़ा तो उन्होंने ही किया आतंकवादियों को, और वो ही भेज रहे हैं इनको यहाँ इंडिया में, तो वो कहाँ से उसका सफाया करेंगे। वो तो उन्हीं को पाल रहे हैं और बल्कि औरों को भी रेडी करने की कोशिश में बैठे हुए होंगे। तो चलो यार, अभिषेक ने अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।